सर ये आपके लिए ओनली 80 रुपए का सर। ये 100 gallon पर डे है जी। ओके, यानी कंटेमिनेटेड वाटर को जो प्योर आरओ वाटर बनाती है वो यही चीज है, इसी को बोलते हैं आरओ मेम्ब्रेन। के बाद आप आ जाइए, 16 लीटर का ये टैंक है, आरओ है, यूवी है, यूएफ है, टीडीएस है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें पूरी फिटिंग मिलेंगे, ये हार्ड टीडीएस की मेम्ब्रेन होती है इसके। तो हे वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए और मस्त हो गए। सो गाइस आज मैं आया हूँ शॉप नंबर 1 स्टॉल नंबर 8 पे, जहाँ पर आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स के आरओस, उनके पार्ट्स, आरओ मेम्ब्रेन्स, फिल्टर्स और काफी कुछ। तो फटाफट से मैं आपको शॉप का एड्रेस दिखाता हूँ। भैया की शॉप का नाम है कामिल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आरओ, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है शॉप नंबर 1 स्टॉल नंबर 8, दीवान हॉल रोड, ओल्ड लाजपत राय मार्केट, दिल्ली 6। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं भैया के पास में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरओ मिलते हैं, उनकी कैबिनेट्स वगैरह मिल जाती हैं, आरओ फिल्टर्स मिलते हैं और आरओ मेम्ब्रेन्स मिलती हैं। और आप लोग देख सकते हैं भैया के पास में 25 लीटर से लेके 500 लीटर तक या फिर उससे ज्यादा भी कैपेसिटी, यानी 1000 लीटर के आरओ भी मिलते हैं। सो गाइज फटाफट से भैया की दुकान पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया के पास में क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है, पास में क्या क्या मेम्ब्रेन है, कौन कौन से टाइप के फिल्टर है, या फिर भैया की शॉप पर क्या क्या सामान मिलता है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट देख सकते हैं ये भैया और ये है भैया की शॉप। अंदर आप लोग देख सकते हैं भैया के पास में क्या क्या वैरायटी है, कितने कितने टाइप की चीजें भैया के शॉप में रखी हुई है। अब मैं फटाफट से आपको शॉप के अंदर ले जाता हूं और दिखाता हूं कि भैया के पास में क्या क्या अवेलेबल है। सो फटाफट से चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारे सामने भैया, ये हमारे शॉप के ओनर। तो भैया आपका क्या नाम है? कामिल सर। तो भैया का नाम है गाइस कामिल, और कामिल भैया अब हमको दिखाएंगे कि भैया के शॉप पे क्या क्या मिलता है। हमारे पास आरओ के सभी स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है सर। सबसे पहले आपको बाहर वाली बोतल के अंदर ये कैम्फ्लो स्पंज लगते हैं, ठीक है सर। फिर ये चूड़ी वाली कैंडल भी लग जाते हैं जो कैंटवेंट के होते हैं। ये पेंटियर मिलेगा आपको, ब्लू माउंट का स्पंज मिलेगा सर, ठीक है सर। और हमारे पास नेक्सस का स्पंज मिलेगा सर, ठीक है सर। और भी मेरे पास सीसीके का स्पंज मिल जाएगा, और इसी तरीके से हमारे पास मोटर मिल जाएगा। तो भैया सबसे पहले हमें इसके बारे में बताइए ये क्या चीज़ है। ये चूड़ी कैंडल है सर। चूड़ी कैंडल ये किस काम आती है भैया? ये बाहर वाली बोतल में लगता है और हर 2 महीने पे चेंज होता है ये। अच्छा, 2 महीने पे चेंज होता है। बेसिकली इसका यूज क्या होता है? ये मतलब गंदे पानी को रोकने का, मिट्टी को, कचरे को, मतलब ये मिट्टी को रोक लेता है जी सर। ओके भाई, और फिर ये जो सेकंड वाला है ये किस काम आता है? ये भी इसी चीज के लिए है। अच्छा अच्छा, ये भी सैंड वगैरह जो पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है जी सर, उन सबको रोकता है, रोकता है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट में ये भी वही चीज है मगर उससे हेवी है सर। अच्छा, ये थोड़ा इम्प्रूव्ड क्वालिटी में आता है जी। ओके ओके, तो भैया नेक्स्ट और क्या वैरायटी दिखाने वाले हैं? फिर 5-6 है, 1, 2, 3, 4, 5 6 वैरायटी है। तो भैया और अब नेक्स्ट चीज दिखाइए और क्या है? मोटर है, मोटर 75 GPD का। 75 GPD का जी सर। GPD मतलब गैलन पर डे जी सर। ओके, सो गाइस ये है गैलन पर डे, यानी एक दिन में ये कितने गैलन पानी ये मोटर पंप कर सकती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है जी सर। यानी एक दिन के अंदर ये मोटर 75 गैलन पानी भर सकती है। और मैं आपको यहाँ पर इसकी वोल्टेज रेटिंग दिखा देता हूँ, ये है यहाँ पे 24 वोल्ट DC, यानी ये DC वोल्टेज से चलेगी। आपको इसके लिए एक SMPS या फिर 24 वोल्ट का एडेप्टर लेना पड़ेगा, 0.6 एम्पियर, यानी कम से कम 1 एम्पियर का लेना होगा आपको जी। और नेक्स्ट टाइप के ये किस टाइप की मोटर है इसमें? ये भी मोटर है, 100 है। ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेट का और क्वालिटी का। अच्छा, ये 100 gallon पर डे है जी। ओके, और ये जो है नेक्स्ट वाला, ये भी इससे हेवी है सर। ये उससे भी हेवी है जी सर। ओके, सो गाइस ये वाला जो है ये इन सबसे हेवी है, ये वाला। हाँ जी, इसका क्या लेट प्योर है? इसका भी 100 है। इसका भी 100 है। हाँ जी सर, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव्ड है। ओके ओके, और इसके बाद जो हमारा मोटर टाइप का आ जाता है कैम्फ्लो का मोटर जी। ये 25 लीटर प्लांट पे ये लगता है सर। 25 लीटर और 50 लीटर पे ये लगता है पर घंटे, एक घंटे में, यानी कि 25 लीटर मिलेगा आपको एक घंटे के अंदर। 25 लीटर देगा। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये एक घंटे के अंदर 25 लीटर वाटर देता है ये वाला। इसकी जो पंप कैपेसिटी है वो 25 लीटर की है। हाँ जी, नेक्स्ट वाला जो आता है फिफ्थ वाला, ये AKNQ है। सो गाइस ये जो पंप है घंटे में 12 लीटर, एक घंटे में 12 लीटर। तो गाइस ये वाला जो पंप है ये एक घंटे में 12 लीटर पानी देगा। हाँ जी। ओके ओके, तो गाइस ये तो आपने मोटर देख लिए, फिल्टर देख लिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा भैया के पास में आरओ मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं। आरओ मेम्ब्रेन बेसिकली हमारे पानी को, जो हमारा कल्टीवेटेड वाटर होता है उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है। तो फटाफट से
ये वाला सर सेडिमेंट है, आरओ के अंदर लगता है। ठीक है ठीक है। एक कार्बन और एक सेडिमेंट। एक कार्बन और सेडिमेंट, ये दो लगते हैं आरओ के अंदर जी। नेक्सस कंपनी का है, नेक्सस कंपनी का जी, और अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, क्या क्या प्राइस होगा लगभग इनका? सर ये आपके लिए ओनली 80 रुपए का सर, ये 80 रुपए का मिल जाएगा होलसेल रेट में। कार्बन भी इसी रेट का सर, 80 रुपए मिल जाएगा होलसेल में। हाँ जी। एक बार मोटर का और प्राइस बता देना, मोटर का आपने क्या क्या बताया था? मोटर का आपको पड़ेगा सर, स्टार्टिंग क्या है इसकी मोटर? 75 का मोटर है, 500 रुपए से सर। 75 गैलन पर डे वाला, 500 से स्टार्ट। हाँ जी सर। सो गाइज, आप लोग जो ये मोटर देख पा रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग 500 रुपीज से, और जैसे जैसे आप क्वालिटी बढ़ाते जाओगे मोटर की, वैसे ही वैसे इसका जो थोड़ा बहुत रेट में फ्लक्चुएशन आता जाएगा। जब आप भैया की शॉप पे आओगे तो भैया आपको पूरी तरह मतलब एक्सप्लेन करेंगे और आपको जो अच्छे से अच्छा रेट आपको लगा कर देंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, ये जो सामने आप देख रहे हो बेसिकली इसको कैंडल बोलते हैं, और ये जो ब्लैक पॉलिथीन के अंदर है इसको बोलते हैं हम ब्लैक कार्बन। बेसिकली ये जो वाटर के अंदर जो पीलापन होता है उसको रिमूव करने के काम आता है, और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा एनहांस करता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सारे फिल्टर्स हैं ये बेसिकली सेडिमेंट फिल्टर होते हैं। ये जो आरओ मेम्ब्रेन में से, आरओ मेम्ब्रेन में जब पानी जाता है तो उससे पहले पानी के अंदर जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी या गंदगी होती है उसको रिमूव करते हैं, उस सबको रोक लेते हैं। ये भैया के पास में आरओ की मेम्ब्रेन है, बेसिकली यही वो चीज होती है जो पानी को आरओ मतलब पानी को फ्रेश बनाती है, यानी कंटेमिनेटेड वाटर को जो प्योर आरओ वाटर बनाती है वो यही चीज है, इसी को बोलते हैं आरओ मेम्ब्रेन। तो भैया इसका क्या प्राइस होगा, स्टार्टिंग कितने से इसकी? इसकी स्टार्टिंग है 400 रुपए। तो गाइज आरओ मेम्ब्रेन की भैया के पास में स्टार्टिंग मिल जाएगी आपको 400 रुपए से। तो भैया और कौन कौन सी चीजें आपके पास में जो कि आरओ के साथ लगती हैं? गाइस अगर आपको और सस्ता चाहिए इससे भी ज्यादा, तो आपको ये मिल जाएगा जो कि स्टार्ट हो जाता है हमारा 250 रुपीज से। तो भैया मेरे को लगता है वही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो एक साल में चेंज करना होता है, ये मेरे हिसाब से 6 महीने में हमको चेंज करना पड़ता है। सो गाइज ये आपको हर 6 महीने में चेंज करना पड़ेगा, और जो हमारा ये वाला मेम्ब्रेन है ये अच्छी क्वालिटी का, ये आपको एक साल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ये है मैक्स प्योर कंपनी का, आप लोग देख सकते हो ब्रांडिंग है। ये 15,000 लीटर पानी के बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा कम से कम। ये वाला सर बाहर वाला बॉल है। ओके ठीक है सर। और ये इसके अंदर कैंडल लगता है, ये कैंडल इसके अंदर जाता है जी, इसके अंदर ढक्कन खोल के। अच्छा अच्छा। इसको ढक्कन को इस तरह से ओपन करते हैं, और फिर उसके बाद इस कैंडल को अंदर इसके अंदर डालते हैं। ठीक है सर। उसके बाद इस ढक्कन को लगा के हर 2 महीने पे इसे चेंज करना है, हर 2 महीने पे जी, इससे की मिट्टी जितना भी सैंड वगैरह या इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी वो ये सब कैंडल रोक लेगा, पहले आरओ मेम्ब्रेन में जाने नहीं देगा, उसको चोक नहीं होने देगा। सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भैया ने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास में ये कुछ फिल्टर्स रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो इनको कैंडल बोलते हैं, और इधर आप लोग देख सकते हो ये जो सारी चीजें रखी हुई है ये बेसिकली हमारे जो ब्लैक कलर के अंदर है ये सब कार्बन फिल्टर होते हैं। कहने का मतलब ये होता है जो पानी में पीलापन होता है या फिर इसमें थोड़ी बहुत स्मेल होती है, कार्बन फिल्टर उसको रिमूव करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर जो ये आप लोग चीज देख रहे हैं ये है बेसिकली आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जो हमारा कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के काम आता है ये। तो गाइज उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इधर जो ये सारी चीजें रखी हुई है, बेसिकली इसको बोलते हैं हम प्री सेडिमेंट फिल्टर। इसके अंदर ये रेशी वाला होता है कुछ टाइप का, जिसमें जो सैंड वगैरह होती है वो भारी रुक जाती है, आरओ मेम्ब्रेन में नहीं जाती, जिससे कि आरओ मेम्ब्रेन चोक नहीं होती है। तो गाइज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भैया के पास में किस किस टाइप के आरओ मेम्ब्रेन के कैबिनेट्स अवेलेबल हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं। ये वाला सर सबसे पहले हमारे पास जो शुरुआत है और स्टार्ट है रेट का वो 2500 रुपए से है, आरओ यूवी यूएफ टीडीएस एडजस्टर और मिनरल। ठीक है सर। इसी के अंदर और अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा मिल जाएगा ये 2600 रुपए का, इसमें होगा आरओ यूवी यूएफ टीडीएस एडजस्टर मिनरल। ठीक है सर। और इसी के अंदर आपको कॉपर के अंदर आ जाइए आप, हेवी क्वालिटी के अंदर 3500 रुपए का होगा सर, आरओ यूवी यूएफ टीडीएस एडजस्टर मिनरल और कॉपर। मतलब इसके अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें अवेलेबल होगा सर, ये वाला डिजाइन और ये डिजाइन। ठीक है सर। और ये कॉपर है सर 18 लीटर में। हाँ जी सर। और ये कॉपर वाला डिजाइन है, ये वाला भी कॉपर वाला। हाँ जी 3500 रुपए का। हाँ जी सर। होलसेल और नया और अच्छी क्वालिटी, नए साल के ऊपर जो नया ऊपर। ओके आपके पास में सबसे सस्ता आरओ कितने से स्टार्ट हो जाता है? 2500 रुपए से। 2500 रुपए से सबसे सस्ता आरओ स्टार्ट हो जाता है, ये 2500 रुपए वाला है। हाँ जी। अच्छा, और सबसे महंगा कितने का पड़ेगा लगभग? मेरे पास अच्छी क्वालिटी में कॉपर मिलेगा। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वाला जो आप आरओ प्योरीफायर देख रहे हो ये सबसे बेस्ट आरओ प्योरीफायर है। इसके अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं,
जो भी अभी तक मार्केट में अवेलेबल है, और ये कॉपर के अंदर आता है, यानी इसका जो आप कलर देख सकते हो पूरी कॉपर फिनिश के अंदर है, और इसमें सारे की सारी चीजें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं एकदम जेन्युइन है, एकदम बेहतरीन क्वालिटी के हैं। तो भैया इसका क्या प्राइस पड़ेगा लगभग? ये पड़ेगा आपके लिए 3600 रुपए का सर। 3600 रुपए का? हाँ जी सर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं नए साल की ऑफर लगता है, अगर आप कहीं और जाओगे बाहर तो वहां पर आपको 3600 रुपए में तो नहीं मिलेगा, कम से कम 9-10 हजार रुपए का आरओ मिलेगा देखने के लिए। ये होलसेल का रेट है? ये होलसेल का रेट है जी, रिटेल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। हाँ जी। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया होगा, भैया ने हमें काफी सारी चीजें दिखा दी हैं, काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन और मैं आपको थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। तो एक दूसरे भैया हमारे साथ में जुड़े हैं जो कि आपको और डीपली थोड़ा सा समझाएंगे आरओ टेक्नोलॉजी के बारे में, और जो आप मेरे पीछे सारे कैबिनेट देख रहे हो इनको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। तो भैया आ जाइए फटाफट से, आप हमें थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। देखिए भैया इसमें ये है कि ये आरओ प्यूरीफायर है, ये आरओ प्यूरीफायर के अंदर ये होता है कि ये ओनली आरओ है, यूवी नहीं है, कार्बन है, सिलिमेंट है, मेम्ब्रेन है, यूवी है, यूएफ है, ठीक है। ये 15 लीटर का टैंक है जिसमें आपको पूरी फिटिंग मिलेंगे, बोतल फिल्टर उल्टर सब मिलेंगे। उसके बाद आप आ जाइए 16 लीटर का ये टैंक है, आरओ है, यूवी है, यूएफ है, टीडीएस है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें पूरी फिटिंग मिलेंगे, ये हार्ड टीडीएस की मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये कॉपर की मशीन है जिसमें आपको 3600 रुपए के पड़ेंगे, रिटेल में 4000 रुपए से कम की आरओ नहीं है, होलसेलर में 3600 रुपए का आरओ है, ठीक है। इसमें यह है कि अल्कलाइन लगा हुआ है, बजाबते कॉपर लगा हुआ है, बजाबते यूवी लगा हुआ है, यूएफ लगा हुआ है, मिनरल है, उसके बाद अपना एसबी है, मोटर है, सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद इसमें यह है कि आपकी जो बाहर की बोतल है वो अच्छी क्वालिटी वाली होगी, उसकी फ्री फिल्टर जो है हर 2 महीने में चेंज करना होगा। उसके बाद ये 18 लीटर में है, इसकी कॉस्टिंग जो है 3600 रुपए है, जिसमें आरओ है, यूवी है, यूएफ है, टीडीएस है, मिनरल है, ठीक है। इसके बाद ये है कि आप कहूँ भी ऑफर कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन पे भी बुक हो जाएगा आरओ, ठीक है। उसके बाद ये आप यहाँ चले आइए, 13 लीटर का आरओ है ये, इसमें यह है कि आपको यूवी भी है, यूएफ भी है, एल्कलाइन भी लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी सप्लाई जो है अच्छी क्वालिटी वाली लगी हुई है, मोटर अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, 100 की मोटर सब में लगा हुआ है, ये आपको होलसेलर रेट बता रहे हैं। उसके बाद ये आ जाइए, जो अभी ऑनलाइन पे आरओ का आ रहा है जो एक्वा गार्ड वाले, उसका मिनरल पोर्ट है ये, अल्फा के नाम से ये आरओ है, ये मिनरल पोर्ट है, जिस जगह बिजली नहीं आती ये पानी को मीठा करता है। इसमें यह है कि आपको पानी डालने की है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, इसका दाम ओनली 950 रुपए है, ठीक है। उसके बाद उससे ज्यादा यह है प्यूरीफायर एक्वाफेडेस का आरओ है, 2500 रुपए की, 1 घंटे में 25 लीटर पानी देंगे, आरओ है, यूवी है, अल्कलाइन है, इसमें सारा चीज है, पूरी फिटिंग ये 2500 रुपए का आरओ है जी। उसके बाद ये पाइप का बंडल है, 580 रुपए का बंडल है, 300 मीटर है जी। उसके बाद ये फिल्टर जो है ओनली 40 रुपए का है, जिसमें हर 3 महीने पे चेंज करना होगा, एक्वा का ये ओनली कार्बन डला हुआ प्लस कपड़ा है। ये वाली जो है 40 रुपए का कैंडल है सर, ये आपको होलसेलर दाम में मिलेगा। उसके बाद ये कार्बन सिलेमेंट मिल जाएगा आपको एक्वा का ओनली 80 रुपए का, जिसमें उससे और कॉस्टिंग में चाहिए सस्ते में तो आपको वो भी मिल जाएंगे ओनली 60 रुपए की। उसके बाद आपको ये पीडी फिल्टर बोतल मिल जाएंगे ओनली 80 रुपए का, जिसमें हर 2-3 महीने पे चेंज करना पड़ता है, डबल लगाना चाहते हैं आरओ के साथ तो उससे और क्वालिटी होगा, तो मिट्टी होगा, रुकेगा, ये है बोतल। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जो बेसिकली फिल्टर्स वगैरह होते हैं वो इस बोतल के अंदर जाते हैं। उसके बाद ये है कार्बन सिलिमेंट जो मैं बता रहे थे आपको, ओनली 60 रुपए का ये कार्बन है, जिसमें सस्ता रेट अच्छी क्वालिटी में। उसके बाद ये अल्कलाइन होता है, मैं आपको खोल के दिखा देते हैं, ये इससे पानी और बेस्ट हो जाता है, इससे पानी अल्कलाइन से ये होता है कि क्वालिटी में पानी लगाने के बाद बेस्ट क्वालिटी हो जाता है, ओनली दाम 300 रुपए की है। एक ये है सस्ते में आपको चाहिए अल्कलाइन, ये मिल जाएंगे आपको, मैं आपको खोल के दिखा रहे हैं, एक ये अल्कलाइन मिल जाएगा बायो का ओनली 250 रुपए में सर, ये अपनी शॉप पे होलसेलर रेट में अच्छा रेट माल मिलेगा आपको, क्वालिटी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आपको माल अच्छा मिलेगा आपको। ये चूड़ी कैंडल है एक्वा की, जो तो हर 3 महीने पे चेंज करना पड़ता है, ये बेस्ट क्वालिटी में है सर। उसके बाद ये FR हो गया, जो मेम्ब्रेन के बाद लगता है, ये गंदा पानी पे ये फ्लो कहा जाता है, इसको FR कहा जाता है। उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं
ये मेम्ब्रेन है जो हर मीठा पानी यही करता है। अच्छी रेट में और अच्छे क्वालिटी में ये चीज मिलेगा आपको। जो 25 लीटर प्लांट में लगाया जाता है ये उसका सेलिमेंट है वेस्ट पानी करने के लिए प्यूरीफायर। एक ये मिनरल है, मैंने अभी जो मिनरल दिखाया है उसमें एक ये मिनरल है जो सस्ते में ओनली 90 रुपए का ये मिनरल कार्टेज है, देख सकते हैं आप, सिर्फ 90 रुपीज का। यस, काफी ज्यादा सस्ता है ये। जी एक एक निकाल के दिखाना है इसमें भी ये एक। देखिए भाईजान, ये है मिनरल एक्वाफिल का। इसमें काफी मतलब छोटे छोटे वो दाने दाने जी जी सेडिमेंट जी 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 ये डीवी सेट वाले हैं जो नलके पे लगते हैं, कनेक्शन किया जाता है आरओ का फिटिंग का, ठीक है। ये आरओ के अंदर का एल्बो है, ये जितने भी सारे उसमें 7 तरह का एल्बो लगते हैं वो सारे एल्बो है, सस्ते रेट में मिलेगा आपको होलसेलर रेट। सो गाइस ये थे हमारे साथ में गुलजार भैया जिन्होंने हमें काफी कुछ आरओ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, काफी पूरा मतलब एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ, कैसे क्या होता है, कितने टाइप के कंपोनेंट लगते हैं, किस किस टाइप की कैबिनेट होती है, क्या क्या उनका फंक्शन होता है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो 100% काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल एक्सपेरिमेंट 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर पिन कर दूंगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप लाजपत राय मार्केट में भी आ सकते हैं भैया की शॉप पे। भैया की शॉप का नंबर है 1 और स्टॉल नंबर है 8। भैया की शॉप का नाम है कामिल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आरओ। सो गाइज मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो फटाफट से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।